जय श्री कृष्णा। मैं मेघा अग्रवाल, भारत विकास परिषद के अभिरुचि शिविर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चैंटिंग एंड मंत्रोच्चारण इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। चैंटिंग और मंत्रोच्चारण से हमारे माइंड में पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, जो कि हमारे माइंड की नेगेटिविटी को, स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को दूर करते हैं। चैंटिंग और मेडिटेशन से हमारा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है, हमारी हार्ट रेट्स जो है वो भी लो रहती है, हमारा एड्रेनलिन लेवल में रहता है, इवन हमारा कोलेस्ट्रॉल भी रेगुलराइज्ड रहता है। चैंटिंग और मेडिटेशन के काफ़ी बेनिफिट्स हैं। इससे हमारी मेमोरी शार्प होती है, इससे हमारा कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ता है, इससे हमारी स्पीच थेरेपी होती है। तो आप लोग मंत्रोच्चारण के बहुत सारे बेनिफिट्स तो जान ही चुके हैं, तो चलो अब एक छोटा सा क्विज राउंड हो जाए। गणेश भगवान के माता पिता का क्या नाम था? जी हाँ, राइट आंसर, भगवान गणेश जी के माता पिता का नाम है शंकर भगवान और पार्वती माता। तो अब कौन बताएगा कि भगवान गणेश के ब्रदर का नाम क्या है? कार्तिक जी, राइट आंसर। सो व्हाट इज द नेम ऑफ वाइफ्स ऑफ लॉर्ड गणेशा? गुड, ग्रेट आंसर, रिद्धि सिद्धि। सो व्हाट इज द नेम ऑफ सन्स ऑफ लॉर्ड गणेशा? ओके, ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो मैं आपको बताती हूँ। शुभ और लाभ दोनों भगवान गणेश जी के बेटों का नाम है। जब भी हम कोई ऑस्पिशियस वर्क करते हैं तो हम एक साइड में शुभ लिखते हैं और एक साइड में लाभ लिखते हैं, और ये शुभ और लाभ गणेश जी के सन्स का ही नाम है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, किस कंट्री की करेंसी नोट पर भगवान गणेश जी का फोटो बना है? जैसे हमारी करेंसी नोट पर महात्मा गांधी का फोटो है, वैसे एक कंट्री ऐसी है जिसकी करेंसी नोट पर भगवान गणेशा का पिक्चर है। ओके, सो इंडोनेशिया, इंडोनेशिया इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द व्हीकल ऑफ लॉर्ड गणेशा? ओके, थिंक थिंक थिंक, एवरीवन नोज मूशक, राइट आंसर। सो व्हाट इज द व्हीकल ऑफ कार्तिक जी, लॉर्ड कार्तिके? एग्जैक्टली, पिकॉक, राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, कि कौन सा ट्री लॉर्ड गणेशा से एसोशिएट है? ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को सर्च करके या अपने पेरेंट्स से पूछ करके मुझे व्हाट्सअप करना है। तो इस सारी क्विज को सुनकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम कौन सा श्लोक सीखने वाले हैं। आज हम भगवान गणेश जी का एक श्लोक सीखेंगे जिसे हम बोलते हैं गणेश गायत्री मंत्र। तो आप लोगों को मेरे पीछे रिपीट करना है। ओम एक दंताय विद्महे, आप लोग मेरे साथ साथ बोलिए, ओम एक दंताय विद्महे, वक्रतुंडाय। इस वर्ड को हम स्प्लिट करते हैं, वक्र तुंडाय, वक्र मतलब टेढ़ी, तुंडाय मतलब सूंड वाले, धीमही धीमही, तन्नो दंती प्रचोदयात प्रचोदयात। एक बार फिर से पूरा श्लोक आप लोग मेरे साथ में बोलेंगे, ओम एक दंताय विद महे, वक्र तुंडाय धीमही, तन्नो दंती प्रचोदयात। ओम एक दंताय विद्महे, वक्र तुंडाय धीमहि, तन्नो दंती प्रचोदयात।
श्लोक का मीनिंग ये है कि एक दांत वाले गणेश जी को मैं जान सकूं। सेकंड लाइन का मीनिंग है कि टेढ़ी सूंड वाले गणपति का मैं ध्यान कर सकूं, मैं उनकी महिमा का गुणगान कर सकूं। और थर्ड लाइन का मतलब है कि एक दंत वाले तन्नो दंती एक दांत वाले गणेश जी को मेरा नमस्कार है, मेरा प्रणाम है। तो आप सभी को यह श्लोक लर्न करना है और लर्न करके इसका वीडियो बना के मुझे भेजना है। अगर आप चाहते हैं तो इस श्लोक का विद मीनिंग भी वीडियो बना सकते हैं और विदाउट मीनिंग भी वीडियो बना सकते हैं। और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप में अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी गणेश जी की स्टोरी सुनाना चाहूँगी। एक बार गणेश भगवान एक चिमटी में चावल और चम्मच में थोड़ा सा दूध लेकर के घूम रहे थे कि कोई खीर बना दो। सब सोच रहे थे कि इतने से चावल और इतने से दूध की क्या खीर बनेगी। एक बुढ़िया माई ने बोला कि ठीक है, मैं बना देती हूँ। उन्होंने एक छोटी सी चरी ला करके गैस पे चढ़ाई तो गणेश जी ने बोला, माई बड़ी सारी चरी ला के चढ़ाओ। तो माई को गुस्सा आ गया, माई ने बहुत बड़ी चरी ला कर गैस पे चढ़ा दी। उसमें जैसे ही उसने एक स्पून दूध का डाला और एक चिमटी चावल डाला तो वो चरी लबालब भरती भरती पूरी फुल हो गई और ओवरफ्लो खीर बन गई। गणेश जी बोले, मैं घूम के आता हूँ माई जब तक खीर रेडी होती है। अब खीर देखकर माई का मन मचलने लगा। माई ने बोला, हे गणेश जी आपकी भूख लगना, और चुपके से खीर खा गई। फिर जब गणेश आया और बोला माई ने कि गणेश खीर खा ले, तो गणेश भगवान ने बोला कि माई मैंने तो खीर पहले ही खा ली थी। तो माई शाय फील करने लग गई। उसे पता चल गया कि ये गणेश और कोई नहीं, ये भगवान गणेश जी ही हैं। उन्हें बोला, हे भगवान गणेश जी, मेरे सभी कार्य सफल करना, मेरे घर में सुख समृद्धि बनाए रखना, मेरे बच्चों को होशियार करना, उन्हें शार्प माइंड करना, उन्हें हर काम में सक्सेस देना। तो जब भी हमें कोई काम स्टार्ट करना है तो हम गणेश जी का नाम लेंगे, उससे वो काम जरूर से सक्सेसफुल होगा, अच्छा होगा। और आप सभी को गणेश गायत्री मंत्र लर्न करके वीडियो बना के भेजना है। और इसी तरह हम आगे के श्लोक सीखेंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।